हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीबीए का पेपर। जी हाँ, बीबीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023। और यहाँ पे जो हमारा बीबीए थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसका नाम है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, जो कि आपका माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का पेपर है। तो हम लोग पेपर में जो क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, यहाँ पे जो टाइमिंग है वो 3 आवर्स रखी गई है और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 75। पूरा जो पेपर है वो 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड है। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन 1 या फिर ए, जो हमारा सेक्शन ए है, इसमें कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और यहाँ पे क्या करना है, अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड, नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड। एंड क्वेश्चन नंबर देखिए 1 हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, डिफाइन एडवर्टाइजिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड एडवर्टाइजमेंट कॉपी। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 देखते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट मीडिया प्लानिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बात की गई है, डिफाइन एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजिंग रिसर्च। तो ये थे क्वेश्चन 5 जो कि सेक्शन ए में थे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो अपना सेक्शन है सेक्शन बी। अब जो सेक्शन बी है ये कैसा है, ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे आपको जो है 3 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने हैं any 2। ईच क्वेश्चन के जो मार्क्स रहेंगे वो 7.5 रहेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चनों को चेक करते हैं कि कौन से क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए थे। तो यहाँ पे लिया, व्हाट इज ब्रांड, ब्रांड क्या है, डिस्कस इट मेन कैरेक्टरिस्टिक, डिस्कस द मेन फैक्टर विच डिटरमाइन द साइज ऑफ एडवर्टाइजिंग या एडवर्टाइजमेंट बजट। एंड क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो यहाँ पे दे रखा है, देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डैगमार्क अप्रोच। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है मैनेजमेंट की। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से केयरफुली इसे रीड करेंगे और इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी कैसा आता है, लॉन्ग आंसर टाइप इसमें क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या है कि आपको 5 क्वेश्चन होंगे, बट आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, any 3। ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स एंड आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल। यहाँ पे जो आपको आंसर है वो डिटेल में देना पड़ेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, डिस्कस द एथिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इन डिटेल। एंड क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो व्हाट इज द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर 11th में दिया हुआ है, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ मीडिया अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजमेंट, कि एडवर्टाइज करने के लिए कौन कौन से मीडिया हैं जो अवेलेबल हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं, वैसे भी बता सकते हैं इसे। तो डिफाइन एडवर्टाइजमेंट रिसर्च एंड हाउ इट इज कंडक्टेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। तो ये थे आपके सामने क्वेश्चन 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया, लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये पेपर आपके लिए यूजफुल होगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।